तो बच्चों x इक्वल टू माइनस टू आ गया, ये आपका आंसर है, नोट कर लो कॉपी में। फिर आप इतना अच्छा स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हो? अगर मैं इतना अच्छा स्कूल में पढ़ाने लगा तो कोचिंग कौन आएगा और मेरी बैंक के कौन भरवाएगा? राम राम। ना बेटे, अब हम तुम्हें इज्जत देंगे, 2 साल से तो फीस नहीं दी है तुमने। एक्स इक्वल टू माइनस वन, जिस बच्चे जहाँ समझ नहीं आ वो पूछ ले, मैं पैसे ले रहा हूँ, 10 बार बताऊंगा, 30 बार बताऊंगा, 100 बार बताऊंगा, पूछो जहाँ आप समझ नहीं आओ मैं जरूर बताऊंगा, आप पूछो। सर कहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं आपने क्या बता दिया। ओए पहले अपना चश्मा उतार, क्या समझ में नहीं आया, क्या हमें समझ में नहीं आया है? जे यहाँ पे ये फैक्टराइज करना है, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करी, 3 + x आ गया 1, और यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया x, और x + 3 आ गया 1, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया x + 3, और यहाँ पे क्या फिर x + 3 कॉमन ले लो, और यहाँ पे x + 1 बचेगा x + 3, और यहाँ पर ये सब फैक्टराइज, तो ये क्या समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, बस इतना ही चाहिए था। सर आ तो पिछले साल से ना रिया, लेकिन अभी वो x बता दो कैसे आया। अच्छा ये वाला x ना, इसके पड़ोसी वाला, ये वाला ना, इसके ऊपर ये इसके बाजू वाला, ये वाला, हाँ यही से। अच्छा देखो बेटा, कभी प्यार से समझना, कभी प्यार से देखो बेटा, ये है x²(4x)=3, ये मुझे फैक्टराइज करना है, तो ये 4 मुझे कब मिलेगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा 3, तो मेरे फैक्टर आ जाएंगे 3 × 1, तो मुझे मिल गया बेटा देखो 3 और ये 1, तो 3 और प्लस में करूंगा तो 4 हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने ये तोड़ लिया, ऐसे 4 को मैंने तोड़ लिया यहाँ पर, तो x²(3x)+x+3 हो गया। ठीक है बेटा समझ में आ रहा है? हाँ, तो आगे मैंने यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो ये हो गया x+3, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 1 कॉमन ले लिया तो x+3, ठीक है, और यहाँ पर मैंने x+3 को कॉमन ले लिया, और फिर ये x+1 बचा और x+3, और फिर मैंने कंपेयरिंग कर दी दोनों भाई। आप बेटा समझ देना, बहुत ध्यान से समझना बारीकी, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है ये, तो यहाँ पर आप x+=0 लिखेंगे, और यहाँ पर x+3 0, तो x = -1 और x = -3। बेटा समझ में आ गया आपको? आ गया बेटा? आया तो अभी भी ना है, आगे बता दो। ओए बे बे, क्या कर रहे है, खड़ा हो क्या कर रहे है बे? थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पूछ रहे थे, बताओ, तुम तो मैथ के टीचर हो, तुमसे होता ही नहीं है कुछ। अरे बेटा हम तो ऑलराउंडर है, हमसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछो, कहीं से भी पूछो, सबका उत्तर मिलेगा। आप बेटा इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना सिंपल क्वेश्चन है, मुझे भी ना बताया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोमीस होता है अपना थर्मामीटर, और डायनेमिक्स इज डायनेमिक्स, तो पूरी डेफिनेशन बन गई, थर्मो इज द थर्मामीटर एंड डायनेमिक्स इज द डायनेमिक्स, तो इसका आंसर थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ गया आपको? आ गया बेटा? आ ही गया है थोड़ा बहुत। बच्चों मैं आपको आज जैसा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो आर्ट ऑफ सब्जेक्ट है, कोई सा सब्जेक्ट मान लो, मैं आपको डेफिनेशन बनाना सिखाऊंगा आपसे, केमिस्ट्री में कैसे डेफिनेशन लिखते हैं, फिजिक्स में कैसे लिखते हैं, मैथ में, बायोलॉजी, सब में। तो बायोलॉजी की पहले बात करते हैं अपने लोग, बायोलॉजी में कुछ नहीं होता है, खाली प्रोसेस ही होती है, कोई सी प्रोसेस, कोई सी खाली सेंटेंस ये जोड़ना है, द प्रोसेस इन विच, और फिर आला कुछ लिख गया वो, फू गया वो, और फिर लिखना आपको केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों, केमिस्ट्री में बॉन्ड बनते हैं तो खाली ब्रेक होगा, टूटेगा बॉन्ड और जुड़ेगा साथ साथ में। और वहाँ का क्या बचा, फिजिक्स, फिजिक्स में जो आवे फिजिक्स या फिजिक्स, सब कुछ कंप्लीट खत्म। इधर आओ, ई मास्टर ने क्या चोट फैला रखा है, कुछ समझ में आया तुम्हारी? पता नहीं क्या बढ़ा रहा, पैसा बर्बाद। बच्चों पूछना है, पूछना हो तो पूछ लो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है। What is the difference between x and y? बेटा वैसे तुमने फीस तो दी नहीं है, मैं तब भी तुम्हें बता दे रहा हूँ। देखो तो बच्चों अपनी कॉपी में लाइन खींचो, एक तरफ लिखो x और एक तरफ y लिखो, और ऐसे डंडा खींचो। पहला डिफरेंस लिखो बच्चों, x है 2 lines और y है 1.5 lines, और x है b shape and y also है b shape,
बट दिस इज अ लॉन्गेस्ट। और थर्ड डिफरेंस बहुत ही खतरनाक वो है डिफरेंस, दिस इज एक्स एंड दिस इज अ वाई। बच्चों मैं इतना खतरनाक डिफरेंस बताऊंगा कि कोई मास्टर से बताता नहीं है, डरता है, डरता है। खाली मैं बताऊंगा आपको, और 200 रुपए ले आइए, कल फीस का ले लूंगा पूरी। तो ये पता है क्या एक्स एंड वाई, वाई का ये एक्स है, ममेरा भाई है, ये बहुत तगड़ा डिफरेंस है। और ये चचेरा भाई है, ये पता नहीं लॉजिक कहाँ से ममेरा चचेरा बन गया, पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा पूरी बात। और इसका पांचवा बहुत खतरनाक है, इसका भी बाप का भी बाप का बाप का भी बाप का बाप है इसका डिफरेंस। ये है बाई से पहले एक्स आता है, बाई बाद में आता है, टेस्ट ऑल खत्म। तू रे बकवास कर रहा है, तू मेरी कोचिंग बकवास कर रहा है, तू मेरी कोचिंग बकवास कर रहा है। सुरूर है।